पुष्पा जी नमस्ते प्रधानमंत्री जी को मेरा मेरा नाम पुष्पा देवी है मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैटन के पर कार्यरत हूँ सर और मैं एक वर्ष से मैटन का कार्य देख रही हूँ अच्छा आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन मिली है एक समय था जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे अब मैं पुष्पा जी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगी जो देश भी सुन रहा है आज आपको मैं भी सुन रहा हूँ मैं वैक्सीन के लिए सर थोड़ा माइक अपने पास रखिए। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16 एक को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है मैं वैक्सीनेट हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती मान रही हूँ इस नाते सौभाग्यशाली हूँ ताकि मुझे वैक्सीन लग गया है और इसके साथ साथ मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ इसके साथ साथ सर मैं जो भी मेरा नर्सिंग स्टाफ है पैरामेडिकल स्टाफ है मैं सबको इस वैक्सीन के लिए आग्रह कर रही हूँ बता रही हूँ कि इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है जैसा अन्य इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार का ये भी इंजेक्शन लगा मुझे महसूस हुआ है इस नाते आप लोग आगे बढ़ के सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाइए ताकि आप सुरक्षित रहें आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपका समाज सुरक्षित रहे इसके लिए मैं बार बार आप जैसे लाखों करोड़ों कोरोना और 130 करोड़ देशवासियों की सफलता है मेड इन इंडिया वैक्सीन हम सब के लिए गर्व की बात तो है ही जब आप कह रही हैं कि आपको बिल्कुल जैसे रूटीन में एक वैक्सीन होता है वैसा, वैसा ही हुआ कुछ लोगों के मन में थोड़ा चिंता रहती है तो आप तो मेडिकल दुनिया से जुड़ी हुई है और आपने खुद ने लिया है तो जरा लोगों को विश्वास मिले ऐसी कुछ बात बताइए आप। लोगों को ये विश्वास दिलाना है की देखिये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी नौ महीने के अंदर इतना माने कि वैक्सीन उपलब्ध कराया है जिससे कि सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है और ये वैक्सीन लगाने से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और मन में किसी प्रकार का कोई डर आप लोग न लाए कि वैक्सीन लगाने से हमें कोई इसका साइड इफेक्ट होगा या हमें कोई इसका नुकसान होगा इस नाते सभी को वैक्सीन लगाना आ, अपने मन में डर को हटा देना और वैक्सीन लगवाना है चलिए पुष्पा जी आपने बहुत सही कहा कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और आपने चुना होगा शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है वैक्सीन कब लोग आओगे वैक्सीन जात जांच के अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है उधर की भी बात होती है तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया तो फिर हमने कहा चलो तो भाई अब शुरू कहाँ से करें तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोज़मर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं वो सलामत हो जाते हैं तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है और इतने लंबे समय की कठिन प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद अब जब वैक्सीन आई है तो सबसे पहले मैं सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग जिनको हमने प्रायोरिटी दी है कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए जल्दी शुरू करो लेकिन मेरा मत है कि सबसे पहले आप लोगों का हो जाए और जितना तेज़ी से हो जाए उतना आप चिंता कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है तपास किया गया है इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है पुष्पा जी आपको बहुत बहुत बधाई आप स्वस्थ रहिए और सेवा भी करते रहिए